नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। एक तरफ चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए तेजी से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहीं सुरंग बनने से विधानसभा नरेंद्रनगर की पट्टी दोगी के अटाली गांव अब इस निर्माण की जद में आ गया है। यानी इस गाँव के मकानों में दरारें आ रही है, साथ ही साथ खेतों में भी लंबी लंबी ये दरारें देखी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि देखते ही देखते ये दरारें 3 दिनों के अंदर 2 से 2.5 फीट चौड़ी हो गई हैं। इसके अलावा मकानों में भी दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। इससे ग्रामीणों में मायूसी, आक्रोश और रेलवे विभाग के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। हमें यहाँ से जाना ही मतलब स्थापित ही करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ से 10 गुना ज्यादा जमीन रेट पे चाहिए, क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं, हम बाजारों में डिपेंड नहीं रहते। सुई से लेकर धागा तक सर हमें अपने पैसों से खरीदना पड़ेगा और हमारा रोजगार भी सर यही है। और एक मांग मेरी और है सर, हमें यहाँ पे एक परिवार से एक नौकरी भी चाहिए। अगर हमें यहाँ से विस्थापित ही करना चाहते हैं कि आपको यहाँ जाना ही पड़ेगा, ये डेंजर जोन में आ चुका है। अगर डेंजर जोन में आना ही था तो पहले उन्होंने हमें आगाह क्यों नहीं करा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी गांव वाले हैं वो सबका एक मत है कि यहाँ से वो अपने गांव को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर हाँ ये लोग इस डेंजर जोन में हैं तो उनको यहीं पर इसी गांव में कहीं पे उनको 10 गुना भूमि दिया जाए जितना एक्वायर कर रही है ये रेल निगम, और हर घर से एक नौकरी चाहिए। दूसरा, ये लोग जितना भी यहाँ पे घर इनका टूट रहा है, वो अगर वो घर भी डेंजर जोन में आ रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उस घर का भी उनको कंपनसेशन दिया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार नरेंद्रनगर अयोध्या प्रसाद उनियाल, रेलवे विकास निगम के उप महाप्रबंधक भूपेंद्र सिंह, सीनियर साइट इंजीनियर पीयूष पंत, जियोलॉजी और माइनिंग के निदेशक डॉक्टर अमित गौरव ने गाँव में जाकर धसते हुए खेतों और क्रैक हो रहे मकानों का मौके पर जाकर मुआयना किया। साथ ही यूकेडी नेता सरदार सिंह पुंडीर पीड़ित ग्रामीणों के साथ बैठकर उन्होंने उनसे बातचीत की। ग्रामीणों का ये साफ साफ कहना था कि जिस माटी से उनका पीढ़ी से सांस्कृतिक भावनात्मक लगाव है, उस माटी को वे नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनकी खास मांग ये है कि कृषि भूमि और मकान का उन्हें 10 गुना मुआवजा दिया जाए, साथ ही हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, और विस्थापित करना हो तो सरकार यहां से नजदीक व्यासी के समीप पूरे गाँव को विस्थापित करे। मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना था कि वे अपने स्तर से पीड़ित ग्रामीणों की समस्याओं और उनकी मांगों के संबंध में प्रस्ताव बनाकर तुरंत उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर रहे हैं। वर्तमान में जो खेतों में दरारें आई हैं उसके संबंध में भूगर्भीय सर्वे हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं जियो टेक्निकल इंजीनियर सर उनके द्वारा किया जा रहा है। जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही कहा जाएगा कि इसका असर कहाँ तक है। द्वितीय, जो गांव वालों की जो भी डिमांड है वो हमारे उच्च अधिकारियों के समक्ष रखी जाएगी, उसी के लिए आज मैं आया हूँ। जल्दी गांव वाले इस संबंध में अपना एक राय बना के अपना प्रस्ताव देंगे, उस प्रस्ताव को उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। आज हम लोग अटाली गांव में आए हैं, हमारे साथ विभाग के उनके द्वारा और मेरे द्वारा खेतों का भ्रमण कर लिया गया है और इसको सर्वे करने के बाद इसकी जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों का यदि ये पुनर्वास करें, और इनका कहना है कि पुनर्वास हम दूर नहीं जाएंगे, कारण कि हमारे जो यहाँ इस क्षेत्र से, इस गांव से हमारी यादें जुड़ी हैं, हम अपनी यादें को कैसे भुला सकते हैं। अगर हम पुनर्वास के लिए जाते हैं तो हम कहाँ जाएं, कौन से अलग अलग स्थान पर हो जाएंगे। लिहाजा हमारा पुनर्वास हो तो यही हो, और ये हमारी जो जमीन है जो धस गई है, जो टूट गई है, इसका 10 गुना हमें कंपनसेशन दिया जाए और 10 गुनी जमीन उसके एवज में दिया जाए, हम तभी इस बात पे मानेंगे। अन्यथा हम लोग जो है यहाँ पे काम रोको आंदोलन शुरू कर देंगे। ये इन लोगों की चेतावनी है, अब देखते हैं सरकार से हमारी डिमांड है कि अति शीघ्र इस पे कार्रवाई करें ताकि जनता का भला हो। जोशीमठ में लगातार बढ़ रहे भूस्खलन के चलते एक बार फिर से लोग दहशत में हैं। वहीं आज जोशीमठ का मुख्य प्रशासनिक भवन, तहसील परिसर में भी दरार देखने को मिली, तो वहीं होटल माउंट व्यू के पीछे 5 परिवारों को बढ़ती दरारों के चलते प्रशासन ने नगर पालिका और ब्लॉक परिसर के भवनों में शिफ्ट कर दिया है। वहीं यहां लोग अब अपना सामान शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग यहां जैसे तैसे अपनी जान बचाने की जुगत में जुटे हुए हैं, तो वहीं खतरे की जद में आ चुके अटाली के ग्रामीण कह रहे हैं कि उन्होंने कभी रेलवे लाइन निर्माण कार्य का विरोध नहीं किया, और जब पूरा गांव खतरे में आ गया है तो सरकार उनकी मांगे पूरा करे। मायूस और आक्रोशित ग्रामीणों का ये कहना है कि यदि सरकार उनकी नहीं सुनती है तो वे दूध मुंह बच्चों और पशुओं सहित सड़कों पर आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। तो ये थी देहरादून से हमारे सहयोगी अंकित शर्मा की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।